जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पटवारी की नौकरी दिलवाने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 5.5 लाख रुपए लूट लिया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। मिली जानकारी के मुताबिक मनोहर साहू नामक युवक ने नवागढ़ थाना में शिकायत दर्ज कराया था कि उसके ही ग्राम में रहने वाले यशवंत साहू ने पटवारी की नौकरी लगाने के लिए 5.5 लाख रुपए लिए हैं और लिखा पढ़ी में उसने उधारी देने का एफिडेविट भी किया है, लेकिन यशवंत साहू ने न तो नौकरी लगवाई और न ही पैसे वापस कर रहा है। मनोहर साहू की लिखित शिकायत पर नवागढ़ पुलिस ने जाँच किया तो 5.5 लाख रुपए की ठगी होना पाया, जिस पर नवागढ़ पुलिस ने आरोपी यशवंत साहू के खिलाफ 420B का अपराध दर्ज कर यशवंत को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। थाना नवागढ़ में प्रार्थी मनोहर साहू, जो कि सिलादेई बिर्रा का रहने वाला है, उसने आकर एक शिकायत आवेदन दिया और बताया कि उसके गांव के रहने वाले यशवंत साहू, जो कि सिलादेई का ही रहने वाला है, उसने उसे पटवारी में नौकरी लगाने के नाम से 5.5 लाख रुपये लिए और लिखा पढ़ी में उसने उसको उधारी में रकम लेने बाबत नवागढ़ में एक एफिडेविट दिया था। बोल के इसकी बताया कि एफिडेविट देने के पश्चात भी न ही उसको नौकरी लगाई गई और न ही उसका पैसा वापस किया गया। मामले में 5.5 लाख रुपए की ठगी होना प्रमाणित पाया गया, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध 420 भादवी तक अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी यशवंत साहू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया, इस पर से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। TCP24 न्यूज़ के लिए जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।